हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे वॉल्यूम के ऊपर, ओके। और वॉल्यूम के ऊपर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट समझाऊंगा इस वीडियो में कि जो कि आप भी खुद सोचोगे इस चीज़ों को समझने के बाद कि कुछ तो गेम अंदर अंदर मार्केट में चलता है, ओके। जैसे बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो किस तरीके से, आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि आपके ऊपर रिलेट कर पाओगे कि आप अगर इस जगह होते तो आप किस तरीके से ट्रेड करते, ओके। तो आप समझोगे इस चीज़ को। वॉल्यूम के अंदर समझाऊंगा कि कई जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाती है लेकिन उसके बाद भी मार्केट मूवमेंट नहीं करता, लेकिन कहीं पे बिल्कुल कम वॉल्यूम आती है लेकिन तब भी मार्केट मूवमेंट करता है। वो आपको एंट्री एग्जिट के ऊपर वो सब चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, ओके। अब चलते हैं। देखो, ये बैंक निफ्टी का है 15 मिनट का चार्ट। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है अपना टेलीग्राम चैनल, अगर आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये है अपना, यहाँ पे मैं आपके साथ जो लेवल्स होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ यहाँ पे। जैसे अपने फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आप चाहो तो लर्निंग के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये जो लेवल होते हैं ना अपने, ये वाले जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मैं ड्रॉ करके शेयर करता हूँ, वो सब मैं ड्रॉ करके आपके लिए भेजता रहता हूँ। तो अब देखो, वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं कि वॉल्यूम में किस तरीके से ट्रेड करते हैं। आपको एक चीज़ नोटिस करवाता हूँ मैं। सबसे पहले वॉल्यूम को देखो आप, यहाँ पे इस जगह वॉल्यूम देखो, जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आई हुई है, ओके। एक यहाँ पे वॉल्यूम आई हुई है, इस जगह पे वॉल्यूम आई हुई है, और कहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉल्यूम आई है, यहाँ पे, और इस जगह पे भी आई है थोड़ी, और यहाँ पे आई है। ये पॉइंट है, बड़े पॉइंट है जहाँ से मार्केट में बड़े स्विंग बनते हैं। अब देखना, यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ आप समझना कि ये वॉल्यूम है एक्सट्रीम वाली वॉल्यूम, ये मार्केट में कहाँ पे आई है। ये अब देखो, मार्केट में ये वॉल्यूम आई है, मार्केट की ओपनिंग कहाँ थी, ये देखो 31 तारीख है, यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग थी इस वाले लेवल के ऊपर, ये वाला मार्केट था, और 31 के बाद ये 1 सितंबर यहाँ पे मार्केट, और ये पीछे वाला, मतलब ये एक मार्केट है पूरा, ओके। और यहाँ से स्टार्ट होता है अगला मार्केट। अब देखो, ये वॉल्यूम कहाँ पे आई, वॉल्यूम आई आखिरी वाली कैंडल के ऊपर, आखिरी वाली 2 कैंडल के ऊपर, जब मार्केट में ये डे की क्लोजिंग होने वाली थी उस समय के ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम आई। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब मेरे, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है ना इस चीज़ को, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बड़ा जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े जो ट्रेडर होते हैं ना, वो पहले एंट्री कर लेते हैं मार्केट के अंदर। उनको मान लो 500 करोड़ का या 700 करोड़ का कुछ भी ऑप्शन बाइंग सेलिंग जो भी करनी होती है वो यहाँ पे कर लेते हैं, तो वॉल्यूम यहाँ पे दिख जाती है। अब चूंकि मार्केट इसको, ऑप्शन को खरीदने से मार्केट मूवमेंट नहीं होता, ये आप सभी को पता है, ऑप्शन को खरीदने से मार्केट मूवमेंट नहीं होता। जब बैंक्स में पैसा लगाया जाता है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनमें जब पैसा लगता है तब मार्केट के अंदर मूवमेंट आते हैं। आपको पता होगा कि ICICI के अंदर पैसे लगा के उसको ऊपर के साइड में लिया जाएंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ जाएगा, ये सब चीज़ें होती है। तो इसको, ऑप्शन को बाय सेल करने से इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके, बैंक निफ्टी के मूवमेंट में, लेकिन आपको वॉल्यूम दिख जाएगी कि हाँ कुछ तो हुआ है इसके अंदर। उसके बाद आप देखो, अगले दिन भी मार्केट को आपको कितना ज़्यादा ट्रैप किया गया, वॉल्यूम यहाँ पे दिख गई, आपको कन्फर्मेशन भी होगी हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गेम है, लेकिन अगले दिन ओपन किया, अब इसको डाउन साइड में लेके गए। यहाँ पे कई लोगों ने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया होगा, देखो यहाँ पे काफी लोगों ने क्या किया होगा, ब्रेकआउट हुआ है भाई, डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वापस में बैंक निफ्टी अपसाइड के अंदर। मतलब अब एक चीज और बताता हूँ, मार्केट में जिस साइड का ट्रेंड चलता रहता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी पूरा डाउन ट्रेंड था, ओके। अगर मार्केट के अंदर जैसे मूव आता रहता है, जिस साइड का ट्रेंड होता है उस साइड के ट्रेंड में अगर वॉल्यूम आई है, जैसे अभी डाउन ट्रेंड है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम आई है डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट अगले दिन उसके अपोजिट मूव करता है, क्यों, या फिर एक दिन बाद में मूव करेगा, क्यों, क्योंकि हमेशा देखना, जब भी ट्रेंड का रिवर्सल करवाना होता है ना, तो वहां पे बड़ा पैसा लगाया जाता है, वहां पे बड़ी वॉल्यूम आती है हमेशा देखने के लिए, क्योंकि जब कोई चीज फ्लो के अंदर होती है, अब कोई गाड़ी होती है, अब कोई गाड़ी को वापस से उसको टर्न करवानी है, तो एक फोर्स उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, या तो वो ब्रेक लगाने पड़ेंगे या फिर एक आगे से ठोकना पड़ेगा उसको, तो वो एकदम से रुकेगी उस ट्रेंड को रोकने के लिए, समझ रहे हो। ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये भले ही इसका मतलब कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए चीजें बहुत अच्छी काम करती है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं।
अब यहाँ पे देखो, इसका फॉल्स ब्रेकआउट करा के मार्केट को ले जाया गया, मार्केट वापस है अपसाइड के अंदर। अब यहाँ पे एक अपसाइड में फॉल्स ब्रेकआउट करवाया गया और उसके बाद यहाँ पे शांत कराया गया, दो जगह। अब उनको कंफर्म हो गया कि जितने भी छोटे मोटे रिटेलर थे सब परेशान हो चुके हैं, उनको लग रहा होगा कि मार्केट रेंज में है। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है, उसके बाद गेम स्टार्ट हुआ मार्केट अपसाइड के अंदर कितना ज्यादा, समझ रहे हो? ये वॉल्यूम यहाँ पे आई और उसके बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया। अब करते हैं, अब टेस्ट करते हैं, अब जितनी भी ऐसी वॉल्यूम आई होगी ना सबको टेस्ट करते हैं कहाँ कहाँ पे ऐसी वॉल्यूम आई। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि आपको इसी तरीके से चीजें समझ में आएंगी वॉल्यूम के ऊपर। अब देखते हैं कि एक्सट्रीम वॉल्यूम कहाँ पे आई है, यहाँ पे भी वॉल्यूम आई है, आई है यहाँ पे वॉल्यूम, पक्की बात है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे अपसाइड के अंदर ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में एंट्री कहाँ पे हो गई बड़े प्लेयर्स की, मार्केट में एंट्री हो गई इस वाले, यहाँ से मार्केट ओपन था और मार्केट क्लोज कहाँ पे था, 18 तारीख मार्केट क्लोज था इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ से अगले दिन की मार्केट की ओपनिंग थी। वॉल्यूम कहाँ पे आई है, वॉल्यूम आई है इस लास्ट वाली कैंडल्स के ऊपर, ओके। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप था बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रिपल टॉप था, कन्फर्मेशन हो गई, प्राइस एक्शन भी अपने फेवर के अंदर आ गया। उसके बाद बड़े प्लेयर्स ने एंट्री भी कर रखी है, ये अपने को पहले से ऑब्जर्वेशन थी कि हाँ यहाँ पे एंट्री हो गई। उसके बाद देखो मार्केट के अंदर अगेंस्ट, उसके अगले दिन तो उसके अपोजिट मूव करेगा। देखो मार्केट अप ट्रेंड में था लेकिन मार्केट ने डाउन में मूव किया और इतना साइलेंट रखा मार्केट को कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट में, और उसके बाद गेम स्टार्ट हुआ। अब देखो गेम कैसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसको इसका ब्रेक डाउन करवा के क्लोजिंग कराएगी और अगले दिन से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई। समझो चीजों को, ये ऐसे नहीं है, ये इतनी डीप और ऑब्जर्वेशन है ना, ये आपको फ्री में कोई अवेलेबल नहीं कराएगा इन सब चीजों को, क्योंकि ये जो पार्ट होते हैं ना ये सीक्रेट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये चीजें लीक नहीं की जाती। लेकिन मेरे को कोई आप लोगों से स्वार्थ नहीं है, तो चलो सीखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखो, मैं जिस तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ वॉल्यूम को। अब और देखो मार्केट में, अब देखो यहाँ पे एक्सट्रीम वॉल्यूम आई है कुछ, कि भाई ज्यादा ही वॉल्यूम आई है। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड कैसा चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब अपोजिट यहाँ पे वॉल्यूम आई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, वॉल्यूम कहाँ पे आई है, इन दो कैंडल्स के ऊपर वॉल्यूम आई है। देख रहे हो आखिरी की दो कैंडल्स पे वॉल्यूम आती है, 15 मिनट का चार्ट है ये बैंक निफ्टी का, आखिरी में दो कैंडल्स पे वॉल्यूम आती है, अगले दिन मार्केट में अपोजिट मूव हो गया, समझ रहे हो चीज को। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, आपको मैं समझाऊंगा, अब एग्जाम्पल भी दूंगा, जैसे आप लोग समझो। एक तो आप लोगों का ये थॉट होना चाहिए कि आपको 500-700 करोड़ रुपए का कोई ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करनी है, अब इतनी क्वांटिटी कहाँ से आएगी, इतनी क्वांटिटी लाने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। अब आप समझोगे कि आपके पास 500-700 करोड़ रुपए है, अब आपको क्वांटिटी चाहिए, अब क्वांटिटी इतनी अवेलेबल है नहीं, अब क्या करोगे, अब कोई फेक कोई सिचुएशन क्रिएट करवाओगे आप, कि यहाँ से एक सिचुएशन क्रिएट कराएं जैसे मार्केट में वो लोग आएंगे, आते ही उनकी क्वांटिटी अपन बाय सेल कर लेंगे जो भी अपने को करना है, उसके बाद मार्केट को मूवमेंट कराएंगे, उनका चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो कोई गारंटी नहीं, अपने को मार्केटों को अपनी फेवर के अंदर लेके जाने। तो इस तरीके से गेम चलता है। आगे देखो वॉल्यूम कहाँ पे आई है, ये एक्सट्रीम नहीं मानेंगे इस वॉल्यूम को, क्योंकि अगर जूम आउट करके देखेंगे तो ये नॉर्मल वॉल्यूम है, ओके। इस तरीके की वॉल्यूम बता रहा हूं मैं, ये हर रोज नहीं होगी लेकिन जब भी होगी तो आपको पता तो होगा ना कि मार्केट में किस तरीके के ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो एक अपना एक पर्सपेक्टिव बना सकते हो आप इस तरीके से। अब देखते हैं आगे कि कहाँ पे वॉल्यूम आई है, यहाँ पे वॉल्यूम आई है। देखो ये मार्केट में ट्रेंड क्या था, ट्रेंड डाउन था, वॉल्यूम कहाँ पे आई, इस जगह के ऊपर, मतलब जो बड़े प्लेयर हैं जो बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने यहाँ पे एंट्री कर ली है। अब देखो यहाँ पे रोका हुआ रखा है ना, तो ये ऑपरेटेड मार्केट था टोटल, उसके बाद अगले दिन अपोजिट मूव किया मार्केट ने, समझ गए? मैं इसी तरीके से आपको हर एक वीडियो के अंदर इसी तरीके के लॉजिक छुपे हुए हैं मेरी वीडियो के अंदर, आप जितने भी वीडियो देखोगे ना अब तक चैनल पर डाले सब में इसी तरीके की लॉजिक है। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम आई है एक, यहाँ पे अब ये आज का करंट मार्केट चल रही है, अब दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे देखो वॉल्यूम देख लिया, अब यहां पे देखो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में चल रहा था अप ट्रेंड, है अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, यहां पे एंट्री कर ली गई, अब कुछ भी हुआ हो यहां पे, अब कुछ भी सोचो कि गैप अप खुला है, मैटर ही नहीं करता मेरे लिए, नहीं करता, आप लोग समझते हो अपनी जो भी एनालिसिस होगी,
यहाँ पे वॉल्यूम आई है क्योंकि इतनी एवरेज वॉल्यूम इतनी है, लेकिन ये एक्सट्रीम है थोड़ी सी। अब यहाँ पे मार्केट को साइलेंट रखा गया, अब मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब अगले दिन अब मार्केट अपोजिट मूव होगा। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ट्रिपल टॉप, यहाँ पे सिचुएशन बनी एज इट इज, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट को डाउन में क्लोज कराया गया, ट्रिपल टॉप का ब्रेक डाउन करवा के यहाँ पे क्लोज कराया गया। देख रहे हो सिचुएशन सेम टू सेम वही सिचुएशन बनती हुई आ रही है, और उसके बाद मार्केट को गैप डाउन सेम जैसे पीछे हुआ था वैसे की वैसी हो रहे हैं सब कुछ। और उसके बाद वापस से आप देखो यहाँ पे वापस से सिचुएशन बन रही है, वापस से सिचुएशन बन रही है कि बड़ी कैंडल आई है, लेकिन मार्केट को यहीं पे साइलेंट करवा दिया गया है। आप कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हो नहीं रहा है। आप देखना अगले दिन मार्केट एक अपसाइड का, मतलब मंडे को जब भी एक मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है, लेकिन 100% के लिए कोई भी मत चलना, आप फेल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए रखा जाता है कि अगर अपनी एनालिसिस अपनी प्रेडिक्शन गलत होती है तो अपने को SL देकर निकल जाना है, सिंपल 100%। ऐसी कोई नहीं है कि यही सिचुएशन हमेशा ही पास होती है, नहीं ऐसी फेल भी हुई है पीछे, आप देखोगे बैक टेस्ट करके तो आपको दिखेगा कि ऐसी सिचुएशन बीच बीच में फेल भी हुई है। ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लॉस उनका भी होता है, स्टॉप लॉस उनके भी हिट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने को आंख बंद करके सब चीजें करनी है। बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ पर्सपेक्टिव आप अपने बना सकते हो और काम कर सकते हो, और टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं आपको लेवल्स वगैरह जो भी लर्निंग की चीजें हैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ, और चीजों को समझो यहाँ पे क्या गेम चलते हैं। हर एक चीज को अगर आप नॉर्मल चीजों से देख रहे हो कि सब लोग देख रहे हैं वैसे देख रहे हो तो नहीं चलेगा काम। अगर आप सोच रहे हो कि वो भी मार्केट में जो हजार हजार दो दो हजार करोड़ का फंड जो रोज यूज कर रहे हैं वो यूं ही मूर्ख हैं, वो पागल हैं कि कुछ भी करके वो ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि RSI देख लिया, हाँ ऊपर चला गया, लेस सेल कर दिया, डाउन चला गया बाइंग कर लिया, ऐसा नहीं करते हैं। वो बहुत चीजें फॉलो करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं कि जहां पे आपको फंसाया जाए, समझो वहां से आपके अंदर से क्वांटिटी निकाली जाए और उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। तो इन तरीके से चीजों को समझो आप लोग, तो होप है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।